उत्तराखंड के पौड़ी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर आशीष चौहान ने सभी नोडल अधिकारियों सहित चुनाव में लगे समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया कि वो अपने दायित्वों को गंभीरता से पालन करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि आचार संहिता अब लग गई है, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचती हो। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जनपद में हमारे स्पेशल समरी रिवीजन के बाद में लगभग और उसके बाद के जो अभी भी हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली ऑडिशंस कर रहे हैं, तो उस आधार पर हमारे कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5,73,000 के आसपास है। और इसमें जो दिव्यांग मतदाता गण हैं उनका नंबर 7,000 के आसपास का है। सिमिलर लाइन पे 85+ मतदाताओं का नंबर भी 7,000 के आसपास का नंबर है। तो लगभग 14,000 हमारे ऐसे मतदाता हैं जो या तो निशक्त दिव्यांग मतदाताओं की कैटेगरी में आ रहे हैं अथवा वृद्ध मतदाताओं की कैटेगरी में आ रहे हैं। उनकी मैक्सिमम वोटिंग पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोग उनसे 12 दिन का सर्वे जो विद इन 5 डेज होना है माननीय निर्वाचन आयोग के और निर्देशों के क्रम में, वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और जैसे ही उनकी इच्छा प्राप्त होती है कि वो उनके द्वारा घर पर वोट किया जाना है अथवा मतदान केंद्र पर, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सुविधाएँ दी जाएंगी।